कोरोना के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई मीटिंग। धर्मशाला, होटल आदि को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर मांगलिक परिसर, मैरिज गार्डन, धर्मशाला एवं होटल के मालिकों के साथ कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर दिशा निर्देश एवं सावधानियां संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मांगलिक परिसर में गार्डन, धर्मशाला एवं होटल के मालिकों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए कि वे अपने यहां आयोजित होने वाले आयोजनों में अपने परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, थर्मल जांच एवं सैनिटाइजर का आवश्यक रूप से उपयोग करवाएंगे। आयोजन में खाने की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना की शासन द्वारा नियत की गई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार का चल समारोह प्रतिबंधित रहेगा। डीजे साउंड और बैंड वालों को नहीं रहेगी परमिशन। धारा 144 का सख्ती से होगा पालन। को लेके उसका एक पार्ट था। इसमें यह है कि हमने सभी इसमें बैंड वालों को और दूसरे जो संस्थान हैं जिनके जिसको बोलते हैं मैरिज गार्डन, होटल्स और जहाँ जहाँ शासकीय में अपने सोशल फंक्शन होते हैं उन सब लोगों को बुलाया था। उद्देश्य ये था कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, कोरोना नियंत्रण हो, लोग जो गाइडलाइन का पालन करें और लोगों को जो अनुमति देने की प्रक्रिया है या जो संस्थान है उनको शादी ब्याह के लिए अपने वहाँ किस तरह से क्या इंतजाम करना है, किस तरह से उनको रहना है, किस तरह से उन लोगों का आपस में आयोजक का और स्थान प्रोवाइड कराने वाले जो व्यक्ति हैं संस्थान है उनके बीच कैसे कोऑर्डिनेशन थे, उस बात को लेकर बैठक की थी। सबको समझाया है कि कोरोना का प्रभाव ज़्यादा न पड़े, जो नियंत्रण होना है वो हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए अपने वहाँ आवश्यक सुविधाएँ रखें, मास्क पहनाए लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, थर्मल स्कैनिंग हो, जो एक संख्या निर्धारित करी है खुले और बंद स्थान के लिए उसका पालन हो, 144 के सेक्शन का पालन हो, और जो भी दूसरे जो हम अच्छी बातें कर सकते हैं कोरोना नियंत्रण के लिए उन सब को दृष्टिगत रखते हुए आज की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सभी लोगों को समझाया गया है।